तो गाइस जैसे कि अभी अभी प्रीव्यू में आपने इंस्टाग्राम की ये वायरल रील्स यहाँ पर देखी है फ्रेंड्स, ये वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है। अभी तक इन वीडियोस पर मिलियन प्लस से ज्यादा व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं। आपको मैं इसी वीडियो की एडिटिंग बिल्कुल सिंपल मेथड से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखकर आपको इस वीडियो की एडिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही छोटी वीडियो के अंदर। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इस वीडियो को देखकर आपकी ये रील ये वायरल रील स्टेटस क्रिएट हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब चलिए चलते हैं अपनी फोन की स्क्रीन की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपनी फ़ोन की स्क्रीन को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको इस रील्स की एडिटिंग के लिए एक VN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसे आप सिंपल तरीके से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम VN ऐप है, VN वीडियो एडिटर। इस एप्लीकेशन को मैंने डाउनलोड कर रखा है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और गाइस ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको एडिटिंग के लिए प्लस पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। देन अब यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो ऐड कर लेना है, जिस फोटो की आप अपनी रील बनाना चाहते हैं। तो आपको फ़ोटोज़ पर क्लिक करना है। देन अब यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो ऐड कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए आज मैं अपना ही फ़ोटो ऐड करके आपको बता देता हूँ। अब देखिए मैंने अपना फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब आपको अपने इंस्टाग्राम के लिए इंस्टाग्राम की रील्स क्रिएट करने के लिए ओरिजिनल पर क्लिक करना है। ऊपर ओरिजिनल पर क्लिक करने के बाद आपको 9:16 पर क्लिक कर देना। ये आपके इंस्टाग्राम का रेश्यू है। अब गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने फोटो की ठीक से सेटिंग कर लेनी है। जैसा आप करना चाहते हैं आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए ऐसे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले ऑडियो ऐड करनी है। ऑडियो ऐड करने के लिए आपको म्यूजिक पर क्लिक करना है। म्यूजिक पर क्लिक करने के बाद प्लस पर क्लिक करना है। थर्ड नंबर पर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर क्लिक करना है। देन अब यहाँ पर आपको एक वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो के लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और मैं यहाँ से इसको ओके करके ऐड कर लेता हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी ऑडियो ऐड हो चुकी है। अब आपको पता ही है कि इस एप्लीकेशन में लास्ट में एक छोटा सा लोगो आता है, आपको सबसे पहले इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद इसको लोगो को डिलीट कर देना है। ठीक है गाइस, अब आपको अपनी ऑडियो के बराबर अपनी फ़ोटो की लेयर को कर लेना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी सेम इसी कंडीशन पर अपनी फ़ोटो की लेयर भी कर लेनी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी ऑडियो जो है वो यहाँ तक है, तो मैं अपनी फ़ोटो की लेयर भी इसी के बराबर कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर आपको अपने फ़ोटो को कट करना है। तो गाइस आपको सबसे पहले अपने फ़ोटो को कट करना है 0.75 पर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको देखना है कि स्प्लिट का ऑप्शन आपका कहाँ पर शो होता है। तो मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको स्प्लिट कर देना है। और जो आपका फर्स्ट वाले फ़ोटो की लेयर है, आपको इस लेयर की आपको इसकी लेयर फर्स्ट वाले फ़ोटो की लेयर करनी है 0.75। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पर 0.75 कर लिए अपने फर्स्ट वाले फोटो की लेयर। अब आपको सेकंड वाला फोटो की जो है लेयर, आपको इस फोटो की लेयर करनी है 2.75। तो मैं इस वाले फोटो की लेयर 2.75 कर लेता हूँ। 2.75 आपको इसकी लेयर करनी है। आप गाइस देख लीजिए मैं यहाँ पर अपनी लेयर को कैसे ही क्रिएट कर रहा हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर 2.79 कर लिया, आपको 2.75 कर रही है और मैं भी यहाँ पर 2.75 ही कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर आपकी जो थर्ड वाली फ़ोटो की लेयर आ जाती है, आपको इसको अपनी वॉल्यूम की यानी कि आपको अपनी वॉल्यूम के बराबर इसकी लेयर कर लेनी है। मैं इसको इतना कर लेता हूँ। अब गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एंड में आना है। एंड में आने के बाद गाइस अब यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले फ़ोटो में इफेक्ट्स लगाना है। फर्स्ट वाले फ़ोटो में आपको इफेक्ट्स लगाने के लिए इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। देन अब यहाँ पर आपको इसमें जो इफेक्ट्स लगाना है गाइस, वो इफेक्ट्स है तो आप वाइट वाला लगा सकते हैं या फिर ब्लैक वाला लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वाइट वाला लगा देता हूँ और राइट पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको अपने सेकेंड वाले फ़ोटो में एक दूसरा इफेक्ट्स लगाना है। दूसरा इफेक्ट्स लगाने के लिए इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। देन अब यहाँ पर आपको गाइस जूम आउट वाले इफेक्ट्स यहाँ पर ऐड करना है। जूम आउट पर क्लिक करना है और इसको आपको स्टार्टिंग से कर देना है। ठीक है गाइस, और इसकी जो आपकी लेयर है आपको इसको करना है पूरी 1.00s, ठीक है 1.00s हम कर देते हैं और राइट पर क्लिक कर देते हैं। अब आपका जो लास्ट वाला फोटो है, आपको इस लास्ट वाले फोटो में गाइस फिर से एक इफेक्ट्स लगाना है। इफेक्ट्स पर क्लिक करना है और इस वाले फोटो में जो आपको इफेक्ट्स लगाना है वो है स्पिन इन। आपको यहाँ पर देख रहे होंगे स्पिन इन वाले इफेक्ट्स आपको यहाँ पर लगाना है और इसको आपको स्टार्टिंग से ही कर देना है। और इसकी जो लेयर गाइस आपको यहाँ पर 1.5 करनी है, 1.50। ये देखिए गाइस मैंने यहाँ पर 1.50 कर लिया और राइट पर क्लिक कर देना है। अब हमारे जो ये रील्स है वो बिल्कुल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके भी दिखा देता हूँ।
गाइस आपको यहाँ पर ऑडियो नहीं दिखने वाली क्योंकि मैंने माइक यूज़ कर रखा है, तो मैं इस सबसे पहले इस माइक को हटा लेता हूँ और बाद में आपको इसकी माइक की हटाकर वॉल्यूम सुनवाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो हमारा रील है वो क्लियर है, पूरा पर लिख काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनने वाली है। अब आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है गैलरी में सेव करने के लिए और राइट पर क्लिक कर देना है। विदाउट किसी प्रॉब्लम के आपकी गैलरी के अंदर ये वीडियो सेव हो जाएगी। गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो देखा फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कितनी सिंपल तरीके से इस रील्स की एडिटिंग कर ली है। गाइज आपको कोई भी इंस्टाग्राम की रील्स की एडिटिंग, कोई भी या फिर किसी भी डिज़ाइन की एडिटिंग जो आपसे नहीं हो रही हो, वो मुझे आप इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और इस वीडियो को देखकर आपकी रील्स क्रिएट हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।